नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। आज है सप्त चत्वारिंशः अर्थात 47वां सर्ग, और आज करेंगे हनुमान जी रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सेनापतिन पंचसतु प्रमापिता हनुमता सानुचरान सवाहना निशम्य राजा समरोधतोन्मुखम कुमारम अक्षम प्रसमैक्षताक्षम सतस्य दृष्ट्यर्पण संप्रचोदितः प्रतापवान कांचन चित्रकार मुकः समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्विजाति मुख्यैर्हविषेव पावकः ततो महाबाल दिवाकर प्रभम प्रतप्त जाम्बूनद जाल संततम रथम समास्थाय ययौ सवीर्यवान् महाहरिम तं प्रति नैरृतर्षभः ततस्तपः संग्रह संचयार्जितं प्रतप्त जाम्बूनद जाल चित्रितं पताकिनं रत्न विभूषित ध्वजम् मनोज वाष्टाश्ववरै सुयोजितम् सुरासुरा दृश्यम संगचारिणम् तडित प्रभम व्योम चरम समाहितम् सतूणमष्टासिनी बद्ध बंधुरम् यथा क्रमावेशित शक्ति तोमरम्। तो हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर अब राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्धत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। तो पिता के दृष्टिपात मात्र से ही वो प्रेरित हो तापी वीर युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक उठ खड़ा हुआ। उसका धनुष सुवर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था, जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में हविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए सुवर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। ये जो रथ था अक्षय कुमार का, उसे वो बहुत भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बू नद यानि सुवर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी, उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था, उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी, वो बिजली के समान प्रकाशित होता था और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकश रखे गए थे, 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। यथास्थान उसमें शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। विराजमानम प्रतिपूर्ण वस्तुना सहेम दामना शशि सूर्य वर्चसा दिवाकराभम रथमास्थितस्ततः स निर्गामामर तुल्य विक्रमः स पूरयन् खं च महीम स साचलां तुरंग मातंग महारथ स्वनैः
बलैः समेतैः सह तोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत् कपिं सातम समासाद्य हरिं हरिक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितजातसम्भ्रमं समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा सा तस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो युगक्षये सूर्य इवाभिवर्धता स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थितः स्थिरः संयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शितैः शरैस्त्रिभिः। तो चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकला। घोड़े हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर वानर हनुमान जी के पास जा पहुंचा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्ष ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। अब उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया। अतः स्थिरता पूर्वक स्थित हो उसने एकाग्रचित्त से तीन तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रु पराजयोचितं अवैक्षताक्षः समुदीर्ण मानसं सबाण पाणिः प्रगृहीत कार्मुकः सहेम निष्कांगद चारु कुंडलः समास सादाशु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूवा प्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि साम्भ्रमप्रदः ररास भूमिर्न तताप भानुमान् ववौ न वायुः प्रचचाल चाचलः कपेह कुमारस्य च वीर्यसंयुगं ननाद च द्यौरुदधीश्च चुक्षुभे सा तस्य वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविशानिवूरगान् समाधिसंयोग विमोक्ष तत्ववेच्छरानथ त्रीन कपिमूर्ध्नताडय सतैः शरैर्मूर्ध्नि समं निपातितः क्षरन्न सृग्दीग्ध विवृत्तनेत्रः नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान् व्यराजतादित्य इवांशुमालिकः। तो जब हनुमान जी को अक्षय कुमार ने युद्ध के लिए प्रेरित किया तो हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने ये जानकर कि ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं
और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं, ये सोचकर उनकी ओर दृष्टिपात किया। तो गले में सुवर्ण के निष्क यानी पदक, बाहों में बाजूबंद, कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा करने वाला था। कपिश्रेष्ठ हनुमान और अक्ष कुमार का वह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। अक्ष कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर सुवर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त तीन बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी, इससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वे तुरंग के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। ततः प्लवंगाधिप मंत्री सत्तम समीक्षतम राज वरात्मजम रणे उदग्र चित्रायुध चित्रकार मुकम जहर्ष चापूर्यत चाहवोन्मुख सामंदराग्रस्थ इवांशुमाली विवृद्ध कोपो बलवीर समृतः कुमारमक्षम सबलम सवाहनम ददाह नेत्राग्नि मरीच भेस्तदा ततः स बाणासन शक्र कार्मुकः शर प्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुदः शरान्मुमोचाशु हरीश्वराचले बलाह को वृष्टिमिवा चलोत्तमे कपिस्ततस्तम रणचण्ड विक्रमं प्रवृद्ध तेजो बलवीर्य सायकं कुमारमक्षं प्रसमीक्ष संयुगे ननाद हर्षाघन तुल्य निःस्वनः स बाल भावा युधि वीर्य दर्पितः प्रवृद्ध मन्युः क्षत जोपमेक्षणः समास सादा प्रतिमं रणे कपिं गजो महाकूपमिवावृतं त्रिनैहि। उसके बाद वानर राज सुग्रीव के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था, वे बल और पराक्रम से संपन्न तो थे ही, अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान वे अपनी नेत्राग्निमयी किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे, जलाने लगे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने शरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वो राक्षस रूपी मेघ बाण वर्षी होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। रणभूमि में अक्ष कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था, उसके तेज बल पराक्रम और बाण सभी बढ़े चढ़े थे।
युद्धस्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भर कर मेघ के समान भयानक गर्जना की। तो समरांगण में बल के घमंड में भरे हुए अक्ष कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। वो अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। सतेन बाणैः प्रसभं निपातितैः चकार नादम घन नाद निःस्वनः समुत्सहे नाशुनभः समारुजन् भुजोरुविक्षेपण घोर दर्शनः तमुत्पतन्तम् समभिद्रवद्बली स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथीरथ श्रेष्ठतरः किरण शरैः पयोधरः शैलमिवाश्मवृष्टिभिः सतांक्षरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयंश्चचार वीरः पथि वायु सेविते शरांतरे मारुतवद्विनिष्पतन् मनोजवः संयते भीम विक्रमः तमात बाणासनमाहवोन्मुखं खमास्त्रिढन्तं विविधैः शरोत्तमैः अवैक्षताक्षं बहुमान चक्षुषा जगाम चिंताम सच मारुता मजह ततः शरैर भिन्न भुजांतरह कपि कुमार वर्येण महात्मना नदन महाभुजह कर्म विशेष तत्ववे पराक्रमम। तो अब अक्षय कुमार के बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साह पूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों को चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्ष कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। अक्ष कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों से आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। बस इतने ही में महामनावीर अक्ष कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग अर्थात छाती में उनकी गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानर वीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे, अतः वे रणक्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। अबालवत बाल दिवाकर प्रभः करोत्ययम् कर्म महन् महाबलः न चास्य सर्वाहव कर्मशालिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते अयम् महात्मा च महांश्च वीर्यतः
समाहितश्चाति सहश्च संयुगे असंशयम कर्म गुणोदयादयम् सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साह विवृद्ध मानसः समीक्षते माम् प्रमुखो अग्रतः स्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कंपये सुरासुराणामपि शीघ्रकारिणः न खल्वयं नाभि भवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणं ह्यस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानो अग्निरुपेक्षितुं क्षमः इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगं तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रे अस्य वधे तदानी। तो ये महाबली अक्षय कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है, ये सोचा हनुमान जी ने, और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्रचित्त भी है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों यक्षों और मुनियों के द्वारा भी अवश्य ही प्रशंसित हुआ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है, किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। तो इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार कर उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। सतस्य तानष्ट वरान महाहया समाहितान भार सहान विवर्तने जघान वीरह पथिवायु सेविते तल प्रहारैः पवनात्मजः कपिः ततस्तलिनाभिहतो महारथः स तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः स भग्ननिडः परिवृत्तकूबरः पपात भूमौ हतवाजिरम्बरा सतम परित्यज महारथो रथम स कार्मुकः खड्गधरः खमुत्पतन ततो अभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयं कपिस्ततस्तं विचरन्तम् अम्बरे पतत्रि राजा निलसिद्ध सेविते समेत्य तम मारुत वेग विक्रमः क्रमेण जग्राह च पादयो दृढ़ं सतम समावेद्य सहस्रशः कपिः महोरगम गृह्य इवांडजेश्वरः
मुमुच वेगात् पितृतुल्य विक्रमो महीतले संयते वारोत्तम। तो जब हनुमान जी ने सब विचार करके निश्चय कर लिया कि इसको, ये शत्रु है मेरा, इसे मार डालना ही सही, तो उसके बाद आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्ष कुमार के उन आठों उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैंतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। बाद वानर राज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्ष कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथ से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हरसे को उलट दिया। घोड़े तो पहले से ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से अब पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय महारथी अक्ष कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक की ओर चला जा रहा हो, तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षराज गरुड़ वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। सभग्न बाहु रुकटि पयोधर है, सभग्न बाहु रुकटि पयोधर है, क्षरण श्रृंग निर्मथिता स्थिलोचन है, संभिन्न संधि प्रविकीर्ण बंधनो हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः, महाकपिर भूमि तले निपीड्यतम चकार रक्षो अधिपतेर महद्भयम्, महर्षिभिश्चक्र चरैः समागतैः समेत्य भूतैश्च सयक्ष पन्नगै सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजात विस्मयै हते कुमारे स कपिर निरीक्षितः, निहत्यतम वज्रे सुतोपमम रणे कुमारम अक्षम क्षतजोपमेक्षणम, तदेव वीरो अभि जगाम तोरणम, कृतक्षणः कालैव प्रजाक्षये। तो हनुमान जी ने जब उसे घुमा घुमा कर हजारों बार युद्ध भूमि में पटक दिया, तो नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांघ, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल आईं, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। और इस तरह वह राक्षस अक्ष कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। अक्ष कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्ष कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुंचे।
फिर से तैयार हैं हनुमान जी युद्ध के अगले चरण के लिए। प्रतीक्षा है कि अब कौन वीर आने वाला है उनसे सामना करने। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में यहाँ पर 47वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 47वां सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्रा।